सभी का स्वागत है, मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला और फिरोजाबाद से आपको खबर बता देते हैं। जहां पर दलित महिला के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया गया, चुनाव में जिला बदर हुए अपराधी ने दुष्कर्म का प्रयास किया। आपको बता दें कि योगी राज में जिला बदर हुए अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद है, जिला बदर अपराधी ने खुलेआम पुलिस को चुनौती दी है, दलित महिला के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया गया, दलित महिला की हालत बिगड़ी, जिला अस्पताल किया गया रेफर। शोर मचवाने पर अपराधी मौके से हुआ फरार, टूंडला के एटा रोड काशीराम कॉलोनी की घटना बताई जा रही। जला बदर अपराधी ने खुलेआम दी पुलिस को चुनौती। योगीराज जला बदर अपराधी के हौसले बुलंद, शोर मचाने पर अपराधी मौके से हुआ फरार, जिला बदर अपराधी ने किया रेप का प्रयास। चुनाव में जिला बदर हुए अपराधी ने किया दुष्कर्म का प्रयास। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ब्रजेश मिश्रा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ब्रजेश, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? जैसे मैं बताऊं, ये घटना जनपद के थाना टूंगला क्षेत्र का है, जहां काशीराम निवासी एक परिवार रहता है, छोटा सा, वो दलित परिवार है। कल देर शाम 6 बजे लगभग एक बंटी नामक युवक है, जो उसके पिता का नाम जमील खान है, विशेष समुदाय से आता है, अकेली महिला को देखकर जबरन वो उसके घर में घुस गया और उसके साथ रेप का प्रयास किया। छीना जप्ती में उसकी हालत बिगड़ गई महिला की। उसके बाद जब पुलिस को शाम को उसके परिवार वालों ने लगभग 7 बजे के बाद सूचना दी, मौके पे पुलिस पहुंची है और उसको जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां अब उसकी हालत स्थिर है और अब पुलिस जो है, लेकिन अभी तक अपराधी को पकड़ने में नाकाम रही है। और जबकि वहां के स्थानीय लोगों ने उसको जिला बदर बताया है कि वो लड़का जिला बदर है, जिला बदर अपराधी है, और इसकी पुष्टि यहाँ के स्थानीय थाना अध्यक्ष ने भी की है। जी, उसके बावजूद भी किसी तरीके की कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ब्रजेश जी, आपने पुलिस प्रशासन से बात करने की कोशिश की, उनका क्या कुछ कहना है इस संदर्भ में? जी, हमारा यहाँ के स्थानीय थाना अध्यक्ष और क्षेत्र अधिकारी से बात हुई के न्यूज की, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि आज किसी भी कीमत पे अपराधी बचेगा नहीं और उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। टीमें बना दी गई हैं, दबिश दी जा रही है। जी जी ब्रजेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो दलित महिला के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया गया, फिलहाल पुलिस प्रशासन गिरफ्तारी की बात कह रहा है। आपको बता दें कि जिला बदर की प्रशासन को ये सीधी चुनौती है, जहां पर एक महिला के घर पर घुसकर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की गई। दलित महिला के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया गया, हालांकि पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं, पुलिस लगातार जांच कर कार्रवाई करने की बात कह रही है। जिला बदर अपराधी ने किया रेप का प्रयास, दलित महिला के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया गया, जिला बदर की प्रशासन को ये सीधी चुनौती। दलित महिला के साथ दुष्कर्म का किया गया प्रयास, दलित महिला के साथ किया गया दुष्कर्म का प्रयास। नमः शिवाय।
और जब केएनयू से एसपी आशीष तिवारी से इस मामले में संपर्क करने की कोशिश की तो एसपी आशीष तिवारी इस मामले से बचते हुए नजर आ रहे हैं, साथ ही साथ फोन कट कर रहे हैं। तो दलित महिला के साथ जो दुष्कर्म का प्रयास किया गया उसके बाद पुलिस के हाथ अभी भी खाली है, किसी तरीके की कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है। जिला बदर हुए अपराधी अभी तक मुंह चुड़ाते हुए नजर आ रहे हैं, कोई गिरफ्तारी नहीं की गई। और इस संदर्भ में जब हमने एसपी आशीष तिवारी से बातचीत करने की कोशिश की तो वो सवालों से बचते हुए नजर आ रहे हैं, साथ ही साथ उन्होंने फोन कट कर दिया। टूंडला के एटा रोड काशीराम कॉलोनी की एक घटना बताई जा रही है, जहां पर एक दलित महिला के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया गया। चुनाव में झूला बदर हुए अपराधी ने किया दुष्कर्म का प्रयास। दलित महिला के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया गया। और हम लगातार जिला प्रशासन से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन फोन नहीं उठा रहा है। और यहाँ के एएसपी अखिलेश सिंह भी फोन नहीं उठा रहे, उन्हें भी लगातार संपर्क करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उनका वो भी फोन नहीं उठा रहे। तो कहीं ना कहीं पुलिस मामले में मामले से पल्ला झाड़ती हुई नजर आ रही है, सवालों से बचती हुई नजर आ रही है। चुनाव में जुला बदर हुए अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद है कि खुलेआम वो प्रशासन को चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं, और प्रशासन भी अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा है, किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हम लगातार जिला प्रशासन को संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पर आपको बता दें कि किसी तरीके की कोई भी जांच नहीं की गई, कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। आपको बता दें कि दलित महिला के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया गया, चुनाव में जिला बदर हुए अपराधियों के हौसले। दलित महिला के साथ दुष्कर्म का किया गया प्रयास। आपको बता दें कि लगातार केन्यूज की टीम संपर्क करने की कोशिश कर रही है जिला प्रशासन से, लेकिन जिला प्रशासन किसी भी तरीके की बात नहीं कर रहा है, केन्यूज का फोन कट कर रहा है। हम लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। दलित महिला के साथ दुष्कर्म का प्रयास, चुनाव में जुला बदर हुए अपराधी ने किया दुष्कर्म का प्रयास। टूंडला के एटा रोड काशीराम कॉलोनी की घटना बताई जा रही है, प्रशासन अभी भी किसी भी अपराधी तक नहीं पहुंच पाया है। लगातार हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसी तरीके का कोई जवाब जो है वो नहीं दिया जा रहा। जिला बदर अपराधी ने किया रेप का प्रयास। जिला बदर की प्रशासन को सीधी चुनौती। दलित महिला के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया गया, तो अभी जिस तरीके से प्रशासन की हीला हवाली देखी जा रही है, और कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि प्रशासन की तरफ से किसी तरीके का कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की गई है, कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया है। जिला बदर अपराधी ने रेप का प्रयास किया, एक दलित महिला के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया गया। चुनाव में जिला बदर हुए अपराधी ने दुष्कर्म का प्रयास किया। टूंडला के एटा के काशीराम कॉलोनी की एक घटना बताई जा रही है, प्रशासन के हाथ अभी भी खाली है। केन्यूज ने जब बात करने की कोशिश की यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों से तो लगातार वो फोन कट करते हुए नजर आ रहे हैं, और आपको ये भी बता दें कि सवालों से बचते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं।